क्यों ना करे विचार, ठीक ही नहीं है नीतीश कुमार, आपके सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। छात्र बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का आलम छोड़िए, यहाँ पे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज भी हुए हैं। लाठी चार्ज का छोड़िए, आज तो ऐसा हद हो गया आपके जिला नालंदा में कि वहाँ पे कुछ छात्राएं थी, उनके साथ हाथापाई हुई और यहाँ पे उनकी जुबानी आप खुद सुनेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। मैं सरकार से बस इतना गुहार लगा रहा हूँ कि कृपया कर इन कार्यपालक सहायकों के जितने भी आवेदन हैं उनके लेकर यहाँ पे इनकी नियुक्ति कराई जाए, जैसे का प्रोसेस आप बीपीएसएम के जरिए कराए जा रहे थे। पर आप बेलेट्रॉन को इमीडिएटर बनाकर यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। चूंकि आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं लगातार और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सभी न्यूज़ की पुष्टि करना चाहेंगे पहले आपके लिए। और ये आग जो है मधुबनी से लेकर नालंदा जिला तक लग चुका है और अपने हक की मांग कर रहे छात्रों के साथ हाथापाई भी हुई है आज। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक न्यूज़ दिखलाने वाला हूँ जो कि एक वेबसाइट पर प्रकाशित भी किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार का हो रहे हैं शिकार और ये लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं सभी जिले में हो रहे हैं और हमारी देश की जो राज्य की मीडिया है वो इस चीज़ को शायद कहीं नहीं दिखला रही है, कहीं एक आध दो जगह ऐसी छोटी झलक दिखला के छोड़ दी जा रही है, पर ये लोग समझ नहीं रहे कि ये कितना बड़ा आक्रोश है और कितना बड़ा आंदोलन है इस सरकार के खिलाफ। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि चयनित जो कार्यपालक सहायक थे उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलने के पीछे बेल्ट्रॉन ऑफिसर जो हैं उनकी लूट जारी है। क्योंकि इसके बारे में जो न्यूज बताई जा रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है, इस न्यूज को समझिएगा, ये न्यूज तो वैसे आप जान चुके हैं, आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं, पर एक बार और जान लीजिए कि आखिर ये मामला क्या है। चयन होने के बाद कार्यालय सहायकों की नियुक्ति पत्र नहीं देने पर बहुत बड़ी साजिश है, इसको घोटाला बताया जा रहा है और उच्च अधिकारियों की इसमें चाल भी हो रही है, जिसके चलते आज नालंदा जिले में डीएम साहब और जो यहाँ के एसपी साहब हैं उनके जरिए यहाँ पे इन छात्रों के ऊपर कार्रवाई की गई और इनको यहाँ पे अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों अभी तो फिलहाल इतनी मांग है कि आप लोग सभी जो बिहार के हर एक जिले से लोग हैं इनको सपोर्ट करें ताकि इनको जेल से बाहर निकाला जाए और ऐसे जो चीज़ें हैं जो इनकी बातें हैं उनको सामने सरकार के सामने रखा जाए। कम से कम हो सकता है कि इनसे कोई गलती हुई हो, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, एक वीडियो क्लिप मैं दिखलाऊंगा इस वीडियो में जो कि उस माध्यम से आपको सारी जानकारी वो छात्र देंगे कि आखिर क्यों इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। पर यहाँ पे जो मामलात हैं वो जानने की कोशिश कीजिएगा कि जो बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार सभी जिलाधिकारियों को कार्यपालक सहायक का नियोजन करने का आदेश दिया जाता है, इस जिसमें कि जिले का परीक्षा लेकर पैनल निर्माण करने का और राज्य में सभी पंचायतों में कार्यपालक सहायक की नियुक्ति के लिए फरमान जारी होता है। पर हुआ क्या, इसी आलोक में सभी जिलों में ऑनलाइन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट को लेकर पैनल बने और काम शुरू किया गया। कुछ गरीब और कुछ मेहनती छात्रों को यहाँ पे आवेदन लिए गए और पटना सहित कई जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया भी चली और उसका योगदान कराया गया। नालंदा में भी इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी और उसी समय अचानक सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश आते हैं कि जो आपका ज्ञापन है 1382 सभी जिलों को भेजा जाता है, जिसमें आगे यह लिखा रहता है कि कार्यपालक सहायक का नियोजन जो है उस जिला पैनल से ना होकर अब ये बेल्ट्रॉन के माध्यम से तुगलकी फरमान आ जाता है। तुगलकी फरमान यानी कि बहुत ही बकवास एक बातें एक लाइन कह दी जाती है सरकार के द्वारा कि अब इसका जो बीपीएसएम है ना उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है, अब ये जो नियुक्ति होगी ये बेल्ट्रॉन के माध्यम से होगी। तो ये सवाल जब उठा यहाँ पे तो प्रश्न उठता है कि आधा जिला जिसने बहाली कर ली और आधा जिला जिसकी बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है, दोनों के लिए अलग अलग नियम और मापदंड क्यों अपनाए जाए। जाहिर सी बात है ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मानना है यहाँ पे कि छात्रों का कि शायद इनकी जो सीटें हैं वो बिक चुकी हैं और बेल्ट्रॉन के माध्यम से जाएंगे तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से अगर नौकरी होती है तो यहाँ पे बड़ा मोटा रकम देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपकी नियुक्ति होगी। यहाँ पे देख सकते हैं यही बातें कही गई हैं दोस्तों, बेल्ट्रॉन के ऑपरेटर बनने के लिए प्रतिभा नहीं पैसे होने चाहिए और बेल्ट्रॉन बाह्य एजेंसी है जो कि माध्यम से आपको 2 से 3 लाख रुपये तक की उगाही करता है, जिसका मोटा हिस्सा एमडी बेल्ट्रॉन को भी जाता है। तो ये बातें यहाँ पे इस न्यूज़ के माध्यम से बताई जा रही है कि शायद ऐसा होता होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी छात्र अभी बचे हुए हैं यहाँ पे उनकी जो सिलेक्शन नहीं हो पाया है जिन छात्रों का, वो उतर आए हैं आंदोलन पे।
अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, इस वीडियो क्लिप को जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आज की घटना है नालंदा जिले की और इन छात्रों के साथ क्या घटा है ये आप खुद देखिएगा और इसके बाद आप कमेंट कीजिए यहाँ पे, इनको जाके सपोर्ट करें। चाहे आप कहीं से भी हों, बिहार के किसी जिले से हों, आप जाएं इनको सपोर्ट करें। आप पहले वीडियो क्लिप देखेंगे आज का घटना का, ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियोस दिखलाए थे बिहार कार्यपालक सहायक के, जो कि पटना में इनके लगातार आंदोलन को लेकर बातें हो रही थी और जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर अब जो है यहाँ पे जो उग्र हो गई है पुलिस इन छात्रों के ऊपर, तो आखिर इसके जिम्मेवार कौन है ये आप जरूर हमें बताएं और इनका सपोर्ट करें, ना कि नीतीश कुमार की सरकार को यहाँ पे कोई गाली दे और ना ही कोई डीएम साहब को गाली दे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का सपोर्ट की जरूरत है और आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें ताकि वो छात्र जो जेल में आज हैं, आप सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको वहां से बाहर निकाला जाए। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए पहले आप। हमने हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, इसमें डीएम साहब जो है और जो है एसपी साहब, डीएसपी साहब जो हम लोग को जो है आयश करके ले जा रहे हैं। हम लोग को हाथापाई भी किया गया है और फिर तीन चार लोगों को गिरफ्तार करने पर हम सब साथ आ गए हैं। अभी क्या मांग रहे हैं? अभी हम लोग का ज्वाइनिंग के लिए साथ नहीं आए हैं, साथ दीजिए। और हमारे जो साथी बंद है उनको छोड़ा जाए। अभी क्या करते हैं? आगे हम लोग और अपने प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे, आत्मदाह करेंगे और आत्मदाह करेंगे हम सब मिलकर। हम साथ के समझ सामने हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, इसमें डीएम साहब जो है और जो है एसपी साहब, डीएसपी साहब जो हम लोग को जो है आयश करके ले जा रहे हैं। हम लोग को हाथापाई भी किया गया है और फिर तीन चार लोगों को गिरफ्तार करने पर हम सब साथ आ गए हैं। अभी क्या मांग रहे हैं? अभी हम लोग का ज्वाइनिंग के लिए साथ नहीं आए हैं, साथ दीजिए। और हमारे जो साथी बंद है उनको छोड़ा जाए। अभी क्या करते हैं? आगे हम लोग और अपने प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे, आत्मदाह करेंगे और आत्मदाह करेंगे हम सब मिलकर। हम साथ तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो क्लिप को अच्छे से देखा और समझा होगा कि इन सभी चीज़ों में आखिर क्या बातें कही गई हैं इन छात्रों के द्वारा। अब मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इन छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट करें हर जिले से। देखिए दक्षिण बिहार की अगर बात की जाए तो दक्षिण बिहार के छात्र जो हैं उठकर नहीं जाते हैं सपोर्ट करने उन लोगों को जो कि कार्यपालक सहायक की लड़ाई लड़ रहे हैं इस मुहिम के खिलाफ। आपको बताना चाहेंगे कि बक्सर जिले का भी एग्जाम हो चुका था, बक्सर जिले का एग्जाम होने के बाद पैनल बनने के बाद भी रद्द किया गया है। तो अगर आप लोग एकजुट रहेंगे तो शायद सरकार आपकी बातें सुनेंगी, पर अगर जहाँ टूट गए तो वहाँ बिखर गए तो वहाँ से फिर कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा और सब का सब धरा का धरा रह जाएगा। इतनी मेहनत के बावजूद भी उन छात्रों को कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि इनको सपोर्ट करें और इनके साथ खड़े रहें। धन्यवाद आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। आपको मैं एक चीज़ और दिखलाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग ये देखिए, ये जो छात्र हैं, ये छात्र हैं कि ये इनका कहना है कि ये अपने अधिकार के लिए नालंदा संग्रहालय में समक्ष शांतिपूर्वक से तरीके से अपने नियोजन की मांग कर रहे थे। तभी इन लोगों पे नालंदा के डीएम से आदेश आता है और डीएसपी इमरान परवेज जी हैं वहाँ पे अभी, और उनके द्वारा यहाँ पे अरेस्ट किया गया इनको और साथ ही साथ बिहार थाना में इनको बंद कर दिया गया है और ये तानाशाही कर रहे हैं, ऐसा कहना है इन छात्रों का। जी हाँ, और ये अपने प्रोटेस्ट के लिए, अपने इस मांग के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो इनका आप लोग सहयोग करें कम से कम, मेरी आपसे यही गुजारिश है दोस्तों।
तो आप हमारे साथ जुड़े रहे यहाँ पे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर वो अपडेट लेकर आएंगे आप सभी के लिए जो कि कार्यपालक सहायक से रिलेटेड होगा। और चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबाने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का और इन कार्यपालक सहायकों का भी। धन्यवाद।